अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी बुक ओपन करिए इंग्लिश की, इंग्लिश रीडर आ टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपकी बुक है। इसमें हम लोगों ने देखिए पीए फर्स्ट के सिलेबस के बारे में बात की गई थी, जिसमें हम लोगों ने लेसन नंबर वन अपना कंप्लीट कर लिया था, कवर कर लिया था। तो सबसे पहले हम लोग लेसन अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस एक बार और रिपीट करते हैं कि हम लोग का पीए फर्स्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेंट्स में आइए। लेसन नंबर वन कवर करना था हमें अ गिफ्ट फॉर आशा, जो हम लोग कर चुके हैं कम्प्लीट। लेसन नंबर टू हमें पढ़ना है पीए फर्स्ट यानी पीरियडिक टेस्ट जो आप लोग के फर्स्ट होंगे। ठीक है, स्प्रिंग सीजन। लेसन नंबर टू अ विजिट टू दी ताज, जो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे अपना पार्ट टू में। लेसन नंबर थ्री स्प्रिंग सीजन। लेसन नंबर फोर अ डॉग लव्स केक। लेसन नंबर फाइव जंगल। तो ये फाइव चैप्टर जो है वो हम लोग को पीए फर्स्ट के लिए अपना क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, जिसमें से हम लोग लेसन नंबर वन जो है हम लोग का अ गिफ्ट फॉर आशा, चैप्टर नेम ही यहाँ पे मैंने बताया था डेट शो करनी है। लेसन वन, लेसन नेम अ गिफ्ट फॉर आशा, डेट पार्ट वन। पेज नंबर चेक करते हैं, पेज नंबर फाइव पर था। तो हमने क्या किया था, इसमें अपना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था। ठीक है, फिर पेज नंबर सिक्स चेक करिए, पेज नंबर सिक्स पर भी इसका एक्सप्लेनेशन था और हाफ। उसके बाद हमने देखिए वर्ड्स मीनिंग जो बताए थे ये आप लोग को लर्न करना है। ठीक है, कॉपी में हमने नोट नहीं करवाए थे, ये आप लोग को बुक में से ही देख कर लर्न करना है, मतलब कि याद करना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया था, पेज नंबर सेवन पर चेक करिए, पेज नंबर सेवन पर हम लोगों ने टिक दी करेक्ट ऑप्शन किए थे, यानी एक्सरसाइजेज हम लोग की यहाँ पर आई थी, ये भी हम लोग का पार्ट फर्स्ट में ही था। ठीक है, एक्सरसाइजेज की थी, फिर हम लोगों ने फिर हिंदी ब्लैंक्स किए थे, देन ट्रू फॉल्स, देन क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर बुक में नहीं किए थे हम लोगों ने। पेज नंबर सेवन पर देखिए वन क्वेश्चन यहाँ पर है, और क्वेश्चन पेज नंबर एट पर चेक करिए, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो हमारे पेज नंबर एट पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर होने के बाद फिर हमने क्या कहा था कि ये क्वेश्चन आंसर जो है ये आप लोगों को कहाँ पर करने थे, कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो ये कॉपी में करने थे। यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर वन पूरा कंप्लीट हो गया था, यानी लेसन नंबर वन। और आज हम लोग देखिए कॉपी अपना लेसन नंबर टू पढ़ेंगे। ये जो पोर्शन था ये मैंने मना कर दिया था कि ये आप लोगों को इसमें से कुछ भी, एक मिनट देखिए, ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो लेसन नंबर टू पढ़ते हैं हम लोग। देखिए लेसन नंबर टू है अ विजिट टू दी ताज, पेज नंबर टेन, पेज नंबर टेन, लेसन नंबर टू, लेसन नेम अ विजिट टू दी ताज, यानी ये कहाँ, विजिट कहते हैं जाने को, कहाँ जाया जा रहा है यहाँ पर, ताज, ताज यानी ताजमहल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ताजमहल जाने के लिए, इस पहले तो हम लोग ये जो पिंक जो पोर्शन है, पिंक जो बॉक्स है, इसको रीड करते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, ये हमें पता चलता है कि चैप्टर में किस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो सेम पेज नंबर है, पेज नंबर टेन। अब हम लोग पार्ट टू अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपना पार्ट टू डालना होगा, यहाँ पर क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। ठीक है, इसके ऊपर फिर पार्ट टू में देखिए पिंक बॉक्स देखिए, इन दिस चैप्टर अ बॉय नेम्ड टॉम वेंट टू आगरा टू सी दी ताज। कह रहे हैं इस चैप्टर में एक बॉय है टॉम, जो वेंट यानी कहाँ गया है, आगरा गया है, क्या देखने के लिए, सी कहते हैं देखने को, ताज देखने के लिए, ताज कह रहे हैं ताजमहल को। ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है बस। द गाइड रामनाथ शोड ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स, कह रहे हैं कि रामनाथ हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें कहाँ पर कैसे कैसे जाना है। ठीक है, कह रहे हैं कि वो उनको ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स दिखाते हैं, शो यानी दिखाना। टॉम वॉच्ड दिस बिल्डिंग इन वंडर, लेट्स रीड, कह रहे हैं टॉम जो है ये बिल्डिंग्स को देखते हैं और खुश होते हैं। अब ये चीज़ इसमें हम इसमें रीड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें बता रही हूँ, इसमें क्या बता रहे हैं कि एक लड़का है टॉम, ठीक है, वो ताज देखने गए हैं, आगरा जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो रामनाथ है वहाँ पे वो उनको गाइड कर रहे हैं, यानी उनके सभी चीज़ों में जो बिल्डिंग्स हैं, ताजमहल है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो उनको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के बारे में कह रहे हैं, लेट्स रीड, अब इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं वन टू वन यानी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड रीड करती जा रही हूँ आप लोगों को मीनिंग। जो इसमें देखिए ब्लू कलर में जो हाईलाइट हैं वर्ड्स, देखिए कुछ वर्ड्स हैं इसमें हाईलाइट्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग है, यहाँ पर आपको गिवन मिल जाएंगे यहाँ पर इसके मीनिंग, और जो कुछ और अदर वर्ड्स जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे वो मैं आप लोगों को इसमें समझा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं टॉम वॉज इन दी क्यू फॉर टिकट्स एट दी नेशनल म्यूजियम। कह रहे हैं टॉम जो है वो क्यों, यानी कि टिकट्स लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, क्यों कह रहे हैं लाइन में खड़े होने को, तो कह रहे हैं टॉम जो है या टॉम जो लड़का है वो लाइन में खड़े हैं क्यों, टिकट्स लेने के लिए एट द नेशनल म्यूजियम के पास। ही हैड हियर्ड दैट द म्यूजियम हैड अ स्पेशल शो दैट गेव अ वर्चुअल टूर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। कह रहे हैं कि वो क्या सुनते हैं कि म्यूजियम एक स्पेशल शो है। ठीक है, ही कलेक्टेड हिज टिकट एंड वेंट टुवर्ड्स अ बिग रूम दैट हैड द साइन टूर हॉल। कह रहे हैं वो अपने टिकट्स को कलेक्ट करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं, जो भी उन्हें टिकट्स लेना होते हैं अपने टिकट्स लेते हैं वो, और क्या बता रहे हैं,
एंड वेंट टूवर्ड्स अ बिग रूम दैट हैड दी साइन टूअर हॉल. और फिर वो कहाँ जाते हैं, एक बिग रूम की तरफ जाते हैं, वेंट कहते हैं जाने को, वो एक बिग रूम की तरफ जाते हैं दैट हैड द साइन, जहाँ पर क्या साइन होता है टूअर हॉल, मतलब उस रूम के ऊपर एक स्लेट लगी होती है उसके ऊपर साइन होता है टूअर हॉल लिखा होता है. टूअर द टिकट चेकर एट द एंट्रेंस हैंडेड हिम अ फनी लुकिंग हेलमेट दैट हैड अ स्मॉल की पैड लाइक दैट ऑफ अ मोबाइल फोन अटैच टू इट. कि वो क्या देखते हैं वहाँ पर, टिकट चेकर जो होता है यानी जो टिकट चेक करने वाला होता है, एट द एंट्रेंस हैंडेड हिम अ फनी लुकिंग हेलमेट, यानी फनी सा एक हेलमेट उसके हाथ में नजर आता है किसको, टॉम को. ये सभी चीज़ें कौन देख रहा है, टॉम देख रहा है, जो भी टॉम लड़का है. ठीक है, कह रहे कि उसने क्या देखा, एक टिकट चेकर के हाथ में एक हैंडेड यानी पकड़े हुआ है वो हैंड अ फनी लुकिंग हेलमेट, हेलमेट है उसके हाथ में, दैट हैड अ स्मॉल की पैड, जो मतलब उसके सर में हेलमेट लगा हुआ है और वो किससे अटैच्ड है, एक की पैड से, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं. ठीक है, कह रहे हैं कि दैट हैड अ स्मॉल की पैड लाइक दैट ऑफ अ मोबाइल फोन, कह रहे हैं कि वो किसकी तरह नजर आ रहा है, मोबाइल फोन की तरह दिख रहा है, अटैच टू, जो किससे अटैच्ड है, हेलमेट से अटैच्ड है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं ही वेंट इन एंड द यूशर हेल्प्ड हिम फाइंड हिज सीट इन दी हॉल. कह रहे हैं कि वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर ये टिकट बैठा हुआ है टिकट चेकर, कह रहे हैं वहाँ पर जाते हैं और यूशर कहते हैं कि वो इंसान जो तुम्हें कहीं भी जाने के लिए या कहीं भी सफ़र करने के लिए जो बीच में तुम्हें रास्ता बता दे. ठीक है, इसकी मीनिंग आपको आगे मिल जाएगी. कह रहे हैं कि वो जो है वो हेल्प करते हैं फाइंड हिज सीट इन दी हॉल, यानी कि तुम्हें हॉल में किस सीट पर बैठना है वो सीट वो उसको बताते हैं. ठीक है, तो यूशर क्या हेल्प करते हैं कि आपको क्या चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी. ठीक है, ये यानी सभी जानकारी इनको होती है, ये सभी चीजों की इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई विल शो यू हाउ टू यूज द हेलमेट. कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस हेलमेट को किस तरह से यूज करना है, यानी इस्तेमाल करना है. द यूशर सेड, किसने कहा, ये यूशर ने कहा है, ही शो टॉम हाउ टू एंटर हिज नेम फॉर द प्रोग्राम यूजिंग द कीपैड. कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना एंटर यानी एंटर करना है किस तरह से, अपना नाम किस में, ये भी जो आपको कीपैड दिया जा रहा है. ठीक है, कह रहे हैं ही कुड चूज विच मॉन्यूमेंट्स टू विजिट. कह रहे हैं आपको क्या चूज करना होगा, क्या करना होगा कि आपको किस मॉन्यूमेंट्स में, यानी मॉन्यूमेंट्स कहते हैं इमारत को, जैसे कि ताजमहल है, ठीक है, और लाल किला है हमारा, रेड फोर्ट है, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं. कह रहे हैं कि आपको फिर इस पर अपना नेम एंटर करना होगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी मॉन्यूमेंट्स जाना है, वो आपको कैसे चूज करना है. ठीक है, तो ये कौन बता रहा है, ये उन्हें यूशर बता रहे हैं. यूशर कौन होते हैं, जो आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें आपको क्या पर कहाँ कैसे क्या करना है, कहाँ बैठना है. ठीक है, जब आप लोग सफ़र कर रहे होते हैं. ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं टॉम चूज द ताजमहल एट आगरा. तो जब उन्होंने यूशर ने बताया कि आपको कोई भी मॉन्यूमेंट चूज करनी है जहां पर आपको विजिट करना है यानी जाना है, तो टॉम ने देखिए क्या चूज किया है, ताजमहल चूज किया है वो, जो कि कहां पर है, आगरा में है. ही पुट हिज हेलमेट ऑन, कह रहे हैं कि वो अपने हेलमेट को रखते हैं, पुट हिम हेलमेट ऑन यानी अपने हेलमेट को उन्होंने लगाया अपने हेड पर, फास्टन हिज सीट बेल्ट और अपनी सीट बेल्ट, जो भी सीट बेल्ट मिलती है वो सीट बेल्ट लगाते हैं, एंड प्रेस्ड द ग्रीन बटन ऑन दी कीपैड. और जो कीपैड उनको मिला है उस पर जो ग्रीन बटन है उसको प्रेस्ड किया है. प्रेस्ड कहते हैं दबाने को. देखिए मैं वर्ड मीनिंग जो डिफिकल्ट हैं थोड़े उसको बताती जा रही हूँ, तो आप लोग उसको कहीं भी अंडरलाइन करके या फिर अपनी कॉपी के बैक पर लिख सकते हैं. ठीक है, या कोई भी रफली कॉपी बना सकते हैं. तो क्या बता रहे हैं, एंड प्रेस्ड द ग्रीन बटन ऑन द कीपैड. उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले उन्होंने चूज किया है कि उन्हें आगरा जाना है, यानी ताजमहल जो मॉन्यूमेंट है वो उन्हें सी करनी है, देखनी है. फिर कह रहे हैं ही पुट हिज हेलमेट ऑन, उन्होंने अपना हेलमेट पुट किया है, यानी अपना हेलमेट हेड पर लगाया है, देन सीट बेल्ट लगाई है, और फिर ग्रीन बटन जो है कीपैड जो उनको गिविन था यानी दिया गया था उस पर उन्होंने ग्रीन बटन को प्रेस्ड किया है यानी कि दबाया है. ठीक, फिर कह रहे हैं टॉम वॉज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू अ सिटी स्क्वायर इन आगरा. तो कह रहे हैं टॉम जो है फिर इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड यानी सफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना. ठीक है, तो वो कहाँ चले गए, फिर आगरा जा चुके हैं. कब की बात है ये, 1654. इट वॉज अ प्लीजेंट मूनलिट इवनिंग है, शाम का वक्त है. टॉम वॉज सरप्राइज टू सी अ यंग मैन वेलकमिंग हिम. कह रहे हैं कि टॉम जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, सरप्राइज यानी कि हैरान हो जाते हैं, टू सी अ यंग मैन वेलकमिंग हिम, यानी कि उनका एक यंग मैन है जो क्या कर रहा है, बड़े अच्छे से उनका वेलकम कर रहे हैं. ठीक है, द मैन किसका कर रहे हैं, टॉम का कर रहे हैं, और ये सभी चीज़ें कौन बता रहा है, टॉम बता रहे हैं.
तो टॉम ने क्या बताया कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए, ये सभी देख के हैरान हुए हैं, शॉक्ड हुए हैं, क्या देखकर कि उनका जो उनकी उनको वेलकम किया जा रहा है, कौन कर रहा है, एक यंग मैन कर रहा है। द मैन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज रामनाथ एंड सेड दैट ही वॉज टॉम्स वर्चुअल टूर गाइड। कह रहे मैन ने फिर उनको अपने खुद को इंट्रोड्यूस किया है, कौन, किस मैन ने, जो यंग मैन है जो वेलकम करने के लिए स्टैंड थे, ठीक है, यानी खड़े थे। उन्होंने क्या किया है, वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हिमसेल्फ यानी खुद को, एज क्या बताया उन्होंने, रामनाथ, यानी कि मैं कौन हूँ, रामनाथ हूँ, एंड सैड, सैड कहते हैं कहने को, और क्या कहा उन्होंने, दैट ही वॉज टॉम्स वर्चुअल टूर गाइड। वर्चुअल गाइड यानी कि वो तो आपके साथ रहेंगे हमेशा, वो क्या बताएंगे कि आपको क्या चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं, वो अपना नाम बताते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मैं रामनाथ हूँ, और कहते हैं कि दैट वॉज टॉम्स वर्चुअल टूर गाइड, कि वो मतलब वो कौन है तुम्हारे, वर्चुअल गाइड, यानी खुद को बताते हैं कि मैं वर्चुअल गाइड हूँ, यानी तुम्हें हर जहाँ तुम जा रहे हो, विजिट हो रहे हो, तो आगरा के लिए, ताजमहल देखने के लिए, जो भी मॉन्यूमेंट्स देखनी है तुम्हें, तो मॉन्यूमेंट्स उसने क्या सिलेक्ट की थी, आगरा सिलेक्ट की थी, ठीक है। टॉम चूज द ताजमहल एट आगरा, है ना, सॉरी ताजमहल की थी, जो कि कहाँ पर है, आगरा पर है। तो वहाँ पे उन्हें वेलकम करने के लिए एक यंग मैन मिलते हैं जिनका क्या नाम है, रामनाथ है। वो बताते हैं कि मैं आपको यहाँ पर जो भी चीज़ है उसकी इंक्वायरी यानी कि जानकारी जो भी है वो आपको दूंगा, ठीक है, कि क्या चीज़ कहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल होगी। तो कहते हैं सून दी टू ऑफ देम वर वॉकिंग थ्रू द सिटी ऑफ आगरा। और फिर क्या होता है, वो दोनों यानी जो उनको रामनाथ हैं और टॉम हैं, ये दोनों ही वॉकिंग थ्रू द सिटी ऑफ आगरा, आगरा की रोड पर स्टार्ट कर देते हैं, क्या, वॉक करना यानी कि चलना। फिर कह रहे हैं दे देन रीच, देखिए मैं वर्ड टू वन मीनिंग बताती जा रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए, अगर एक बार में चैप्टर आपको क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा से सुनिए, ठीक है, फिर भी क्लियर नहीं होता है तो दोबारा से सुनिए, इस तरह से आप लोग इसको रिपीट कर करके सुन सकते हैं, ठीक। दे देन, वैसे भी मैं इसको रिपीट कर रही हूँ 2-3 times तक, लेकिन आप लोग अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार और रिपीट कर सकते हैं या बैक जाकर सुन सकते हैं। देन दे देन रीच द ताजमहल। फिर क्या होता है कि वो दोनों ही कौन, रामनाथ और टॉम जो, और रामनाथ हैं, वो दोनों ही कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ताजमहल पहुँच चुके हैं, कौन कौन, टॉम एंड रामनाथ, ठीक है। फिर कह रहे हैं दे, देखिए दो लोग के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। फिर कह रहे हैं विच लुक्ड एज ब्यूटीफुल एज अ पेंटिंग, कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ब्यूटीफुल, खूबसूरत दिख रहा है एज अ पेंटिंग, जैसा कि पेंटिंग में नजर आता है। तो रामनाथ, जो रामनाथ और वो टॉम है, वो लोग, टॉम जो है वो सोच रहे हैं कि ये तो बिल्कुल पेंटिंग जैसे कि मैंने पेंटिंग में देखा था इन दी मून लाइट, सेम वैसा ही मुझे यहाँ पर भी रियली में नजर आ रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं टॉम वॉज स्पिल बाउंड एज दे नियर दी मैन। देखिए स्पिल बाउंड का आपको मीनिंग यहाँ पर, जितने भी ब्लू वर्ड से टिक हैं यहाँ पर, यहाँ सभी मीनिंग्स आपको अवेलेबल है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, खुश, स्पिल बाउंड, होल्डिंग सम वन अटेंशन एज इफ बाई मैजिक पावर, यानी मैजिक पावर, ठीक है। तो वो एकदम से बहुत खुश होता है, जैसे उसको एक मैजिक पावर मिल गई हो। एज दे नियर द मैन मेन टॉम्ब दे सॉ एन ओल्ड मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड गेजिंग एट द टॉम थॉटफुली। और फिर उसको क्या नजर आता है, टॉम नजर आती है, टॉम कहते हैं इसको, गुम्बस को, ठीक है। दे सॉ एन ओल्ड मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड गेजिंग एट द टॉम थॉटफुली, उसको एक टॉम को एक लॉन्ग दाढ़ी वाला एक आदमी दिखता है लंबा सा। रामनाथ टोल्ड टॉम लुक दैट इज उस्ताद अहमद लाहौरी, कहते हैं कि रामनाथ कहते हैं टॉम से कि लुक दैट, इनको देखिए ये कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट फॉर दिस मैग्नीफिशेंट टॉम, कह रहे हैं कि ये कौन है, ये यानी जो टॉम जो बनाया गया है इसको उसके आर्किटेक्ट है, यानी उसको उन्होंने आर्किटेक्ट किया है, ठीक है, यानी कि उसको उन्होंने डिज़ाइन किया है, किसने, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। तो टॉम ने किसको देखा है यहाँ पर, कह रहे हैं लंबे से एक बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को, गेजिंग एट द टॉम थॉटफुली, यानी उस्ताद ने एक ओल्ड मैन देखा है लंबे से दाढ़ी वाले आदमी को। तो रामनाथ उनसे बताते हैं टॉम को कि लुक दैट इज उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी इन्हें देखिए ये कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी। देखिए पेज नंबर 11 पर है ये चैप्टर, ठीक है, गिवन उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। फिर ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं, लाहौरी, हाँ, ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट फॉर दिस मैग्नीफिशेंट टॉम, ये कह रहे हैं कि ये जो आप ताजमहल पर टॉम देख रहे हैं, ये यानी जो गुंबद देख रहे हैं, ये इन्होंने आर्किटेक्ट की है, यानी इसको इन्होंने डिज़ाइन किया, आर्किटेक्ट यानी डिज़ाइन करने वाला, ठीक है, आर्किटेक्चर। फिर कह रहे हैं टॉम वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन, यानी टॉम के पास बहुत से क्वेश्चन थे अभी भी। ही टर्न टू रामनाथ एंड सैड, वो घूमे हैं और रामनाथ से पूछ, कह रहे हैं दिस इज़ अ ग्रांड बिल्डिंग, ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वेयर डिड द मार्बल एंड द गेम्स कम फ्रॉम, कह रहे हैं कि जो मार्बल्स और गेम्स का जो यूज़ हुआ, यानी ये दोनों प्रोडक्ट बता रहे हैं आपको,
जो ताजमहल बनाने में यूज़ किए गए, वो पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से आए, कम फ्रॉम वेयर डिड द मार्बल एंड गेम्स कम फ्रॉम, यानी ये दोनों चीज़ें जो यूज़ की गई हैं ताजमहल में, ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, तो वो चीज़ें कहाँ से यूज़ की गई, कहाँ से आएंगे ये, तो देखिए द मार्बल केम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मकराना इन राजस्थान, वो बता रहे हैं, कौन बता रहा है ये, रामनाथ बता रहे हैं कि मार्बल जो है वो कहाँ से आई है, मकराना से आई है जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है। फिर कह रहे हैं द गेम्स केम फ्रॉम, और गेम्स जो है वो कहाँ से आई है, एशिया से, अफगानिस्तान, श्रीलंका, तुर्की, चाइना, तिब्बत एंड ईरान, तो वो यहाँ पर प्लेसेस बताई हैं कि यहाँ से ये चीज़ें मिली हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं दी वर्कर्स ऑल्सो केम फ्रॉम फार अवे कंट्रीज, और कह रहे हैं कि वर्कर्स जो हैं वो भी बहुत दूर दूर कंट्रीज से यहाँ पर आते हैं, क्या कर रहे हैं, ताजमहल को बनाने के लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं टॉम लुक्ड एक्साइटेड, टॉम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं ये सारी चीज़ें देख के, खुश हो रहे हैं। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई एम्पेरर शाहजहाँ, क्या कह रहे हैं कि ताजमहल जो वो बिल्ट यानी बनाया गया है, किसने बनवाया है, एम शाहजहाँ ने बनवाया, सभी लोग जानते हैं ये, वॉज नॉट इट, यानी कि जो कि अब नहीं है। आई वुड रियली लाइक टू नो वाई ही बिल्ड सच अ ग्रांड मोन्यूमेंट, कह रहे हैं कि आई वुड रियली लाइक टू नो, यानी कि मैं जानना चाहूँगा कि ये इतनी अच्छी बिल्डिंग ताजमहल यानी शाहजहाँ ने क्यों बनवाया था। हिज गाइड स्माइल्ड एट हिम एंड सैड, हिज गाइड स्माइल्ड एट हिड एंड सैड, यानी जो उसका जो गाइडर है, गाइडर कौन है उसका, रामनाथ, वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं द एम्परर बिल्ड इट टू रिमेंबर हिज वाइफ, यानी कि एम्परर जो थे यानी शाहजहाँ, मुमताज शाहजहाँ जो थे, उन्होंने यादगार में, रिमेंबर कहते हैं याद रहने को, तो कह रहे हैं यादगार में बनाया है किसके, हिज वाइफ यानी अपनी बीवी के, जिनका क्या नाम था, मुमताज़ महल। तो देखिए राम ने क्या पूछा है, सॉरी टॉम ने क्या पूछा है रामनाथ से, कि ये तो बहुत ग्रांड मॉन्यूमेंट है, बिल्डिंग है, यानी ये क्या कहते हैं शाहजहाँ ने ये क्यों बनवाया है, मतलब किस उसमें, तो वो बता रहे हैं कि ये उन्होंने अपनी वाइफ मुमताज़ महल जिसका नाम बता रहे हैं उनकी यादगार में बनवाया है। ही लव्ड हर वेरी मच, जो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्या नाम है उनकी वाइफ का, मुमताज़ महल, कह रहे हैं इट टुक 20 ईयर्स एंड 22,000 वर्कर्स टू बिल्ड दिस ब्यूटीफुल टॉम, कह रहे हैं कि इसको बनाने के लिए 20 ईयर्स यानी 12 साल, और कितने वर्कर्स यानी जो बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज़ किए गए थे, उसको बनाने के लिए जो वर्कर्स यूज़ हुए वो क्या हैं, 22,000 वर्कर्स यूज़ किए हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 22 साल लगे हैं उन्हें, और इतने वर्कर्स का यूज़ किया गया है इस ब्यूटीफुल टॉम को बनाने के लिए, ठीक। वे कह रहे हैं टॉम टर्न्ड टू लुक एट द ताजमहल वंस अगेन, इट वुल अ फुल मून नाइट, द ताजमहल शोन लाइक अ जेवल, टॉम वॉज्ड इन वंडर। देखिए तो यहाँ पर क्या बताया है, टॉम टर्न टू लुक एट दी ताजमहल वंस अगेन, टॉम फिर से घूमते हैं ताकि क्या देखने के लिए, ताजमहल को देखने के लिए। तो कह रहे हैं इट वॉज अ फुल मून नाइट, कह रहे हैं कि क्या है, फुल मून नाइट है यानी रात का वक्त बता रहे हैं, इट वॉज अ फुल मून नाइट, वो रात का वक्त बता रहे हैं जब वो क्या कह रहे हैं कि टॉम जो है वो दोबारा से मुड़े हैं ताज क्या देखने के लिए, ताजमहल को देखने के लिए। तो कह रहे हैं द ताजमहल शोन लाइक अ ज्वेल, टॉम वॉज इन वंडर, टॉम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, देखते रहते हैं उस ताजमहल को। एंड देन रामनाथ स्पोक, और फिर रामनाथ कह रहे हैं This will be the end of your tour, Tom. यानी कि वो क्या बता रहे हैं कि ये आपकी टूर का क्या हुआ, एंड हुआ यानी अंत हुआ। Hope you enjoyed the experience, कह रहे हैं आई होप आपने यहाँ पर खूब इंजॉय किया होगा। Tom removed his helmet, कह रहे हैं टॉम अपना हेलमेट रिमूव करते हैं यानी हटाते हैं। एंड शॉक हिज हेड स्लोली इन अमेजमेंट, इट वॉज द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस ही एवर हैड, कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर अपना हेलमेट हटाते हैं वो और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है, और बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर ताजमहल यानी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ, पूरा चैप्टर जो है पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हुआ है, यानी कि इसमें क्या बताया गया था, इसमें एक लड़का है टॉम जो कहाँ पर जाता है, ताजमहल देखने के लिए आगरा के लिए निकले हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम इसका पेज नंबर 12 पर आइए, पेज नंबर 12 पर है, सबसे पहले इसकी हम वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। तो ये वर्ड्स मीनिंग जो है ये आप लोग को लर्न करनी है, इसको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी मीनिंग्स हैं, ठीक है, तो आप लोग को बुक से ही इसको याद करना है। नेक्स्ट है इसमें एक्सरसाइज, अब हम लोग देखेंगे, टिक दी करेक्ट ऑप्शन है, बी है इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स, सी है इसमें ट्रू फॉल्स, डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये बाकी की चीज़ें करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब वन बाई वन हम इसको करते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ है, तो पेज नंबर 12 पर आइए। फर्स्ट टिक दी करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट है टॉम वॉज इन दी क्यू फॉर,
यानी लाइन में जो खड़े होते हैं टॉम किस लिए खड़े होते हैं, फूड लेने के लिए, वाटर लेने के लिए, टिकट्स लेने के लिए या फिर क्लोथ्स लेने के लिए। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि टिकट्स लेने के लिए टॉम जो है वो लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है। फिर है सेकंड, टॉम चूज दी ताजमहल एट, कह रहे हैं टॉम जो है ताजमहल चूज करते हैं क्यों, सॉरी ताजमहल जो चूज़ करते हैं एट वो कहाँ पर है, यानी आगरा में है, अलीगढ़ में है, दिल्ली में है या कानपुर में है। तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल जो वो कहाँ पर है, आगरा में है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्री, द ताजमहल इज मेड ऑफ, कह रहे ताजमहल जो वो किससे बना हुआ है, वाइट मार्बल, ब्लैक मार्बल, रेड मार्बल या फिर ब्रिक्स। तो ताजमहल तो मोस्टली देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो बुक्स में आप लोगों ने, पेंटिंग में या कहीं भी देखा हो बुक्स में पिक्चर्स उसकी, कि ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बी, इसमें बी क्या है, फिलिंदी ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, यानी ये आपको कुछ वर्ड्स गिवन हैं, फिलिंदी ब्लैंक्स हैं, ये आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट देखिए, इसमें फर्स्ट है टॉम चूज डैश एट आगरा, टॉम ने चूज किया था, क्या चूज किया था, आगरा जाने के लिए, यानी कौन सी मोन्यूमेंट थी वो, द ताज, तो द ताज भी लिख सकते हैं, मैंने कंप्लीट लिख दिया है द ताजमहल, ठीक है। नेक्स्ट है टू, देखिए द टिकट चेकर गेव टॉम अ डैश, यानी टिकट चेकर जो था, जो टिकट चेक करने वाला था, टॉम को उसने गेव यानी दिया था, क्या चीज़ दी थी, हेलमेट दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टॉम वॉज फुल ऑफ डैश, टॉम के पास क्या चीज़ फुल थे, यानी क्या चीज़ खूब सारे थे, क्वेश्चन थे, यानी उसके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, क्या देख कर, ताजमहल को देख कर, जो कि कहाँ पर था, आगरा में। नेक्स्ट फोर देखिए, टॉम, मैंने इसको ऑलरेडी फिल कर लिया लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करके एक बार और आपको बता रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके या फिर वीडियो को रहने दिए, बहुत स्लोली मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर देखिए, टॉम एंड रामनाथ सॉ डैश हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल, कह रहे हैं टॉम और जो रामनाथ थे उन्होंने क्या देखा था, एक ओल्ड मैन देखा था, जो कैसे, जो कौन थे, हु वॉज दी मेन आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट थे किसके, ताजमहल की, जो टॉम थी उसकी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, एन ओल्ड मैन। देखिए ये सभी वर्ड्स इसमें हैं, अगर स्पेलिंग में कहीं भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा हो तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, और चैप्टर में भी अवेलेबल है, ठीक। नेक्स्ट है, इट टुक डैश ईयर्स एंड डैश वर्कर्स टू बिल्ड दिस ब्यूटिफुल टॉम, कह रहे वो कितने साल लगते हैं, 20 ईयर्स थे, अभी देखिए हमने जस्ट पीछे पढ़ा था कि 20 साल लगे हैं उसको बनाने के लिए, 20 ईयर्स एंड 22,000 वर्कर्स। तो मैंने देखिए पेज नंबर 12 पर ही हैं हम, 20 ईयर्स एंड 22,000 वर्कर्स टू बिल्ड दिस ब्यूटीफुल टॉम। सी, अब हम लोग का ये बी कम्प्लीट हुआ, अब पेज नंबर 13 पर आते हैं, पेज नंबर 13 पर सी देखिए, सी है ट्रू फॉल्स, फर्स्ट पर आते हैं, दी वर्कर केम फ्रॉम फार अवे कंट्रीज, कह रहे हैं वर्कर्स, दी वर्कर केम फ्रॉम, हाँ वर्कर जो हैं वो केम आते हैं, यानी कहाँ से, बहुत दूर दूर की कंट्री से, फार कहते हैं दूर, तो ये ट्रू है, हमने पढ़ा था अभी। नेक्स्ट है द ताज इज बिल्ड इन 1664, कह रहे हैं कि ताजमहल जो है वो 1664 में बना गया है। तो हम देखिए अभी चैप्टर में हमने कहीं देखा हो तो ताजमहल जो वो 1664 में नहीं बना गया, देखिए आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है द ताज महल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन आगरा, कह रहे हैं ताजमहल जो है वो खूबसूरत बिल्डिंग है आगरा में, ट्रू। टॉम डिड नॉट सी द ताजमहल, कह रहे हैं टॉम ने ताजमहल नहीं देखा था, फॉल्स, टॉम ने ताजमहल देखा था, ठीक है। ये कह रहे हैं उस्ताद अहमद लाहौरी वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ टॉम, कह रहे हैं उस्ताद अहमद लाहौरी जो है वो आर्किटेक्ट थे टॉम के, ट्रू। ये भी अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे चैप्टर में अपने यहाँ पर देखिए उस्ताद अहमद लाहौरी ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट फॉर दिस मैग्निफिशेंट टॉम, पेज नंबर हमने 11 पर पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा यहाँ पर, ट्रू फॉल्स हो गए, ठीक। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स, थर्ड वन इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर के लिए हमें अपनी कॉपी ओपन करनी है, पेज नंबर 13 पर हम लोग क्वेश्चन आंसर हेडिंग डालेंगे, पहले आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम मैं बता चुकी हूँ, यहाँ नेम लिखना था, यहाँ क्लास, सब्जेक्ट इंग्लिश, एक पेज आप लोग को यहाँ पर लीव करना है, देन यहाँ पर क्वेश्चन पार्ट नंबर वन मैंने पूरा कंप्लीट करवाया था, पार्ट नंबर वन, लेसन नंबर वन, लेसन सॉरी डेट, लेसन वन, अ गिफ्ट फॉर आशा, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, Why did Asha's parents invite other children to their home? Asha's parents invite other children to come and play with Asha, but Asha only wanted to watch TV. ठीक है, कंप्लीट कर लिया होगा, मैं बस सिर्फ रिपीट कर रही हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डिड द चिल्ड्रेन फील, वाई द चिल्ड्रेन गॉट बोर्ड एंड स्टॉप कमिंग टू आशाज हाउस बिकॉज आशा ओनली वॉन्ट टू वॉन्ट टीवी, ठीक है। वॉट मेड आशा एक्साइटेड, आशा क्यों, क्या देखकर एक्साइटेड होती थी,
दोबारा से नहीं करना है इसको, सिर्फ मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक। तो अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स मेड आशा एक्साइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाई डिड आशा स्टैंड एट द गार्डन गेट। आशा स्टैंड एट द गार्डन गेट टू वॉच विजय पेयर ऑफ रोलर स्केट्स। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट 2 जो कि हमें अब करना है आज। तो पार्ट 2 सबको यहाँ पर पहले डालना है, फिर यहाँ पर डेट शो करनी है वीडियो जब भी आपको पहुँचती है। लेसन नंबर 2 का नेम डालना है, आप विजिट टू दी ताज। ठीक है, ये डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे आंसर दिस क्वेश्चंस, यानी ये जो भी हेडिंग है यहाँ पर आंसर दिस क्वेश्चंस। देन क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं, पेज नंबर मैंने फिर बता रही हूँ आपको, पेज नंबर है हम लोग का 13। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट डिड टॉम डू टू एंटर द वर्चुअल वर्ल्ड। कह रहे हैं टॉम ने क्या किया था वर्ल्ड के अंदर एंटर होने के लिए। टॉम ने क्या किया था, लाइन में लगे रहे थे वो टिकट लेने के लिए। देखिए, टॉम वॉज इन द क्यू फॉर टिकट्स एट द नेशनल म्यूजियम। ही कलेक्टेड हिज टिकट एंड वेंट टुवर्ड्स अ बिग रूम। कह रहे हैं कि वो टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं और फिर उसको कलेक्ट करने के बाद रूम में जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिलेगा इसका आंसर, मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। टॉम वॉज इन द क्यू फॉर टिकट्स एट द नेशनल म्यूजियम और फिर यहाँ से लिखेंगे ही कलेक्टेड हिज टिकट एंड वेंट टुवर्ड्स अ बिग रूम, बस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वेलकम्ड टॉम एट द ताजमहल। कह रहे हैं कि ताजमहल पर वेलकम किसने किया था टॉम का, तो कौन थे वो, रामनाथ हमने बताया था, देखिए टॉम वॉज सरप्राइज टू सी अ यंग मैन वेलकमिंग हिम। द मैन, हम यंग मैन भी लिख सकते हैं लेकिन हम लोगों ने इसमें क्या किया है, उसका नेम दे दिया है, द मैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज रामनाथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सर हमें रामनाथ लिखना होगा और बाकी का जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन में से लिखेंगे। ठीक, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामनाथ वेलकम्ड, रामनाथ लिखने के बाद वेलकम्ड टॉम एट दी ताजमहल। ठीक है, सिर्फ हमें रामनाथ लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम बुक में रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड द मार्बल एंड द गेम्स यूज टू बिल्ड द ताजमहल कम फ्रॉम। यानी कि मार्बल्स और जो गेम्स का जो यूज़ हो रहा था वो कहाँ से आ रहे थे ताजमहल को बनाने के लिए, तो कहाँ हमने बताए थे, देखिए बुक में मैं बता देती हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए, द मार्बल्स केम फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड मकराना इन राजस्थान। यहाँ पर एंड हमें बीच में लिखना पड़ेगा, एंड द गेम्स केम फ्रॉम दी ऑल ओवर एशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, तुर्की, चाइना, तिब्बत एंड ईरान। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर थ्री। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किया है इसको, आंसर 3 देखिए यहाँ पर है, द मार्बल केम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मकराना राजस्थान एंड गेम्स केम फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, तुर्की, चाइना, तिब्बत एंड ईरान। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का आंसर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। इसमें पूछा गया है कि शाहजहां ने ताजमहल को क्यों बनवाया था, तो आंसर चेक करिए, देखिए बुक में मैंने यहाँ टिक करवाया था। देखिए, द एम्परर बिल्ड इट टू रिमेंबर हिज वाइफ मुमताज महल, ही लव्ड हर वेरी मच। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन में से इसमें नोट करते हैं, वाई डिड शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, तो हम लिखेंगे शाहजहां बिल्ड द ताजमहल टू रिमेंबर हिज वाइफ, अपनी वाइफ की यादगार में, मुमताज महल जिनका क्या नाम था, मुमताज महल, ही लव्ड हर वेरी मच, जो कि अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, तो आप लोग पार्ट 2 इस पर डाल लीजिएगा, जहाँ भी क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कंप्लीट किए थे दोनों पेजेस पर पार्ट 2 डाल लीजिएगा। पार्ट 2 में हम लोग का लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग लेसन नंबर 3 अपना नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।